फिलौर डीएसपी फिलौर जगदीश राज ने जानकारी दिंदे हुए दस्या के एसएचओ फिलौर इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह दी टीम ने एक दोषी मिथन उर्व प्रेम चंद पुत्र ज्ञान चंद वासी पिंड अवाखा दीनानगर नू काबू करके उस कोलों दो चोरीशदा मोटरसाइकिल बरामद किते हन। उन्हां दस्या कि दोषी पहला भी दीनानगर चहोई कतल केस विच लोड़ींदा सी, उस दे विरुद्ध पहला भी अनेकां केस दर्ज हन अते दोषी नशे दा आदे है। कुछ दिन पहला दोषी नेड़ले पिंड गड़ा दे एक कार च वड़ के एक औरत नू मारन दी कोशिश कीती अते जदों गुआं चो एक होर औरत उस नू बचाउण लई आई तां उसने उस ते भी जानलेवा हमला कर दिता। उन्हां दस्या कि एक जून नू एएसआई तरमिंदर सिंह ने मिथुन नू दो मोटरसाइकिलां समेत काबू कर लिया। जिक्रयोग है कि फिलौर पुलिस ने बीबी गुरप्रीत कौर पत्नी शिंगारा राम अते बलजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह वासियान गोपाल कलोनी पिंड गड़ा फिलौर दे बयाना ते 29 मई नू जुर्म 308/323 452/454 380/180/120 भी थाना फिलौर दर्ज कीता सी, जिस विच उन्हां दस्या सी कि दोषी ने लक्कड़ दे डंडे नाल उन्हां दे सिर ते बुरी तरह कुटमार कीती सी अते उन्हां दे गहने अते नकदी चोरी करके फरार हो गया सी। शिकायत विच उन्हां दोष लाया सी कि उकत लड़ाई झगड़े च दोषी दिया तीन भैणां ने भी उसका साथ दिता सी। डीएसपी फिलौर ने दस्या कि दोषी ने दीनानगर दी रहण वाली पेंट साला एक औरत कमला देवी दा परने नाल गला कुट के कतल कर दिता सी अते उसकी लाश गटर विच सुट दिती सी अते उसदे गहने अते नकदी चोरी कर ले सी, जिस संबंधी 19 मई नू मुकदमा नंबर 92 तहत जुर्म 450 थाना दीनानगर च दर्ज किया गया अते दोषी मिथन इस केस विच भगौड़ा चल रहा सी। मुढ़ली पुछगिछ तो एक गल सामने आई कि उकत दोषी चोरी दियां वारदातां करन दा आदी सी अते उसने शहर फिलौर अते इस दे नाल लगदे पिंडां विच पैंदियां दरगाहां ते काफी चोरी दियां वारदातां कीतियां सन अते दोषी तत्ता चोरी करन उपरंत चिट्टा पी के नशे दी पूर्ति करदा सी। बंदे ने दो लेडी उते हमला कीता सीगा, सब तुसीं उह क्रिमिनल नूं काबू कर लैगा सर, कित्थों मतलब काबू कीता, की नाम हैगा इहदे होर की कुछ पता चलदा? साडे जिले दे एसएसपी मानजोर सरदार मुखविंदर सिंह भुल्लर जी दिशा निर्देशों से जो भैरे अंसरों को काबू करने वास्ते जी मुहिम चलाई गई है वो तहत थाना फलौर के इंस्पैक्टर हरजिंदर सिंह कल एक बहुत ही वड्डी सफलता मिली जो उन्होंने एक छात्र मुजरम जिहदे खिलाफ वख वख थाणियां विच बहुत सारे मुकदमे दर्ज ने इनकलूडिंग मर्डर उन्हें काबू किया, चोरी के दो मोटरसाइकिल जिहड़े ने रिकवर किए ने ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਨੇ ਓਲਡ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਾਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪਾਲ ਕਲੋਨੀ ਫਲੋਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੁਕਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ।